बुक यानी ये बुक वाला का क्वेश्चन है, बेसिक आप लोग पढ़ चुके हैं, दुगा समीकरण पार्ट 4.1 का, ठीक है, दो का एक नंबर, इसमें चार पार्ट हैं, देखिए दो नंबर में चार क्वेश्चन दिया है, यानी एक नंबर क्वेश्चन है दो का एक, दो का दो आएगा, दो का तीन, दो का चार, सीजन चार को पार्ट इसमें दिया है, तो देखिए चार पार्ट है इसमें, और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कर निम्न स्थितियों को दुघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी दुघात समीकरण बनाना है, खाली कर दुघात समीकरण बना दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, मगर हम अपने से हल करेंगे इसको पूरा का पूरा, खाली दुघात समीकरण बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दो का एक में क्या कह रहा है, इसमें चार पार्ट है, एक पार्ट देखिए, कह रहा है एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है, तो कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए ध्यान दीजिए, आयत समझते हैं, तो आयत का मतलब यह आयतकार कर रहा है भूखंड, भूखंड का मतलब जमीन होता है, क्या होता है जमीन, भूखंड का मतलब क्या होता है जमीन, तो आयतकार एक जमीन है, ठीक है, मान लीजिए यह जमीन है, आयतकार है, क्या है जी इसमें यह आयतकार हो गया, आयत हो गया ना, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल यहां से पूरा संपूर्ण ही इसका क्षेत्रफल दिया है कितना 528, क्षेत्रफल कितना दे दिया है 528 मीटर दे दिया, ठीक है, क्षेत्रफल कितना दे दिया है 528, यानी क्षेत्रफल जो दिया है, क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल, और लंबाई नहीं दिया है, ठीक है, क्या है लंबाई है, क्या है लंबाई है, हाई क्या है चौड़ाई है, तो ना लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है, फिर भी कंडीशन कह रहा है क्षेत्र की लंबाई, क्या कह रहा है क्षेत्र की लंबाई में चौड़ाई दुगुने से एक अधिक है, यानी जो लंबाई है, हाई जो लंबाई है, मान लीजिए लंबाई एक है, कितना है एक, तो एक कर दुगुना, तो एक के दुगुना कितना होगा दो, तो दो हो गया, अब कह रहे एक अधिक है, फिर इसमें कह रहे एक और जोड़ देना है, दुगुना में से भी एक अधिक है, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दुगुना दो हो जाएगा, अब कह रहे उसमें भी कह रहे एक अधिक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहे चौड़ाई में दुगुने से एक अधिक है, यहाँ पे कह रहा है दुगुने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई आप जितना लंबाई मारिए मानिएगा तो उसमें से दुगुने में एक क्या करना है एक और अधिक बैठा देना है, बस इतने काम आपको समझ में आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे इसका समीकरण बना लेंगे, इसका हल भी कर सकते हैं आपके मन के, तो देखिए इसको हल करने करने जा रहे हैं, तो देखिए कहेंगे लिखेंगे माना कि, देखिए माना कि, ठीक है आयतकार, देखिए आयतकार भूखंड, भूखंड का, ठीक है अब देखिए भूखंड का लंबाई, यहाँ पर लंबाई हम शॉर्ट कॉर्ड में लिख रहे हैं आप लोग लिखिएगा, लंबाई बराबर देखिए यहाँ पे इसको लंबाई पर दे देगा, तो लंबाई, तो लंबाई मान लीजिए कितना है x मीटर, कितना माने हम x मीटर मान लिए, तो लंबाई कितना x मीटर, तो चौड़ाई बराबर, चौड़ाई अब देखिए इसका चौड़ाई कितना मान लेते हैं, चौड़ाई कितना कर है दुगुने से एक अधिक है, एक्स का दुगुना होगा टू एक्स होगा, इसमें एक जुट जाएगा प्लस कर रहा है एक अधिक है जुट गया, समझ पा रहा है ना, चौड़ाई भी मार्ग पता हो गया और लंबाई पता हो गया, तो देखिए अब कह रहा है अब क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को दिया है अब क्षेत्रफल, ठीक है तो आयत का क्षेत्रफल दे दिया आयतकार, आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है क्षेत्रफल तो दिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है अब यह दे दिया है, अब इसको प्रश्न पर बैठाएंगे तो प्रश्न से जो प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न को बनाना है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न जो समझिए प्रश्न से, तो पहले प्रश्न जो कर रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, क्या करेंगे आयत का भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना
चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। तो देखिए लंबाई पर दिया तो लंबाई लिखा जाएगा, तो लंबाई देखिए यहाँ पे क्षेत्र भूखंड का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है एक्स मीटर, कितना दिया है एक्स मीटर, और चौड़ाई कितना दिया है टू एक्स प्लस का वन आई स्क्वायर टू एन, क्षेत्रफल कितना है पूरा 528 दिया है, दिया है कि नहीं। अब देखिए 528 दे दिया है तो इसमें देखिए सब चीज गुना करना है, तो ये प्लस में प्लस से गुना करेंगे कितना होगा प्लस होगा, अगर प्लस में प्लस से गुना करेंगे क्या होता है प्लस होता है, प्लस तो लिखेंगे नहीं छिपाता है। अब एक में दो से गुना करेंगे तो दो, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया। अब प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, और देखिए एक में एक से गुना कर दो एक होगा तो एक तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 528, ठीक है। अब 528 इधर भेजेंगे तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इधर आएगा तो बराबर का पहले आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 528 इक्वल टू जीरो। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक द्विघात समीकरण हो गया। केवल समीकरण बनाना है, आप इतने भी बना सकते टेंसर है मगर इससे आगे हम बनाएंगे, ठीक है। केवल समीकरण हम लोग को बन गया, द्विघात समीकरण हो गया, अब इससे आगे बढ़ाएंगे तो इतना पहले नोट कर लीजिए, तब आगे बना रहा है नोट कीजिए आपको। देखिए इसमें गुणखंड विधि से इसको हल करेंगे, आप याद कर पाइए गुणखंड विधि सिखाया गया है, तो इसको गुणखंड विधि से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे देखिए जो हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ ए का मान कितना दिया है दो और बी का मान कितना दिया है वन और सी का मान दिया है माइनस के 528। तो आपको पता है जब क्या होता है गुणखंड विधि से बनाते हैं कोई चीज तो होता है ए गुना सी, तो ए का मान है दो और सी का मान है 528 माइनस में है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, नहीं कहते चलेगा। तो 528 में गुना करेंगे तो आएगा 1056। अब देखिए 1056 आया, यहाँ पर देखिए 1056 आया, 1056 को गुणखंड, तो देखिए गुणखंड कितना होता है 1056 का, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है 1056 का गुणखंड यहाँ पर देखिए है, 1056 का गुणखंड है एक दो तीन चार छ आठ बारह, ठीक है। अब 12 के बाद देखिए 22 24 32 33 44 66 88 132 176 264 352 और 528 1056 खुद 1000 गठित गुणखंड है। तो देखिए गुणखंड यह जो है एक से लेकर यहाँ पे गुणखंड जो निकाल दिया गया है 1056 का। अब इसमें से दो अंक लेना है, इसमें से दो अंक लेना है हमको, कितना लेना है दो अंक इसमें से, अब जोड़ने पर चाहे घटाने पर हमको बीच वाला अंक जो है मध है ना, मध्य अंक है बीच वाला, मध को हम लोग बीच कहते हैं, तो ये मध वाला जो अंक है इसके बराबर करना है, चाहे उसको जोड़ के लाइए और चाहे घटा के लाइए, मगर हाँ बीच वाला मध्य वाला अंक के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यानी बीच वाला अंक के बराबर होना चाहिए। और गुना करने पर आपको जो आया है यहाँ से जो गुना किए हैं अभी दो गुना इतना किया गया है तो 1056 भी आना चाहिए, गुना करने पर आना चाहिए 1056, ठीक है। मतलब इसमें से कोई अंक लेंगे तो जोड़ने से घटाने पर हमको लाना कितना है, यानी एक्स लाना है, कितना लाना है जोड़ कर लीजिए घटा के लिए एक्स लाना है, और गुना करने पर कितना आना चाहिए 1056। तो इसमें से कौन लीजिएगा यह तो सोचना होगा, तो देखिए अभी तो एक है, कितना है एक, जोड़ चाहे घटा के एक लाना है, तो भाई शॉर्ट रूट लोग रहे यहाँ पर 32 और 33 लोग रहे, हम लोग कितना लग रहा है 32 और 33 में से 32 घटाते हैं तो एक अनु आएगा, तो यहाँ पे एक आ जाएगा तो नहीं हो जाएगा, तो 33 और 32 लिया जाएगा, ठीक है। तो 33 और 32 लिया जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा 33 और 32 हम लिए हैं 32 और 33, तो 32 और 33 लिए हैं, तो देखिए 32 और 33 लिखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पे 33x माइनस का 32x, ठीक है, और माइनस 528 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बनाएंगे 2x² प्लस 33x माइनस का 32, ठीक है, अब माइनस का 528 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे माइनस का क्यों लिखे हैं, क्योंकि 33 में से 32 घटाएंगे तब नंबर एक आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है।
अब देखिए तो ये तो हो गया, अब इसमें कोमा लेंगे सोचकर, तो सोच के कोमा लेना है, कोमा कर गुना करने पे इतना भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोमा हम लेते हैं एक्स, कितना को मिलते हैं एक्स, जब बाहर कर लिए तो बचा कितना भाई एक्स गुना और टू एक्स, तो तब होता है टू एक्स स्क्वायर होता है, तो कितना बचा हमारा टू एक्स, कितना बचा टू एक्स, यहाँ पर लिखेंगे टू एक्स, ठीक है। आप देखिए प्लस प्लस प्लस, अब देखिए एक्स बार पहले से है तो यहाँ पर जाएगा केवल 33, ठीक है। अब देखिए अब इतना लिखने का मतलब ये गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए प्रोसेस, ठीक है, तो ये लिखा गया इतना। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसा कोमा लीजिए भाई टू एक्स कोस्ट में आना चाहिए, तो माइनस का हम 16 लेते हैं और 16 दुना 32 होता है तो टू एक्स हो गया कि नहीं, ठीक है। अब हम गुना करने पर भी 528 आना चाहिए, क्या चीज लिखेंगे, तो 33 लिखिएगा प्लस का तो माइनस का आ जाएगा आपको 528, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 16 में 33 में गुना कीजिएगा तो 528 आपका आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जब 0 है तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले अंदर वाला का लिखा जाता है तो अंदर वाला का लिखेंगे 2x प्लस 33, गुणनखंड इसका हो गया। अब देखिए इसका गुणनखंड है एक्स माइनस का 16, ठीक है, यह 16 है, अब ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे आप x का मान निकालेंगे, तो एक x माइनस में आता है एक प्लस में आएगा, तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2x प्लस का 33 इक्वल टू 0, इस भाग को देखिए, अब इस भाग को कहिएगा तो यह हो जाएगा गुना में तो भागा बदल जाएगा, तो एक माइनस का सुनिए पहले पहले बता देते हैं आपको समझ में आएगा, 2x इक्वल टू अच्छा लगेगा माइनस का 33 हो जाएगा। अब देखिए गुना में तो भागा बदल जाएगा तो माइनस का 33 बटा 2 हो जाएगा, x का मान आया माइनस का 33 बटा 2 इधर का, आप इधर रखिए, इधर रखिए x तो बराबर कितना जाएगा प्लस का 16 हो गया ना, 16 हो गया, तो x का मान कितना आया 16, तो आप दोनों में से कौन के मान रख कर बना सकते हैं वहां पे, तो देखिए अब इसको रख कर हम बनाएंगे, तो पहले का क्वेश्चन जो कहा उसको देखिए, इतना भी आंसर आपका इससे आगा भी बना सकते हैं आपके मन का मर्जी, इतना भी रखिएगा क्यों, केवल समीकरण बनाने के लिए कह रहा है, इतना भी कह दीजिएगा तो सही है, ठीक है, मगर हम अपने मन से आगा बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे 33 आया एक प्लस का 16 आया, चलिए अब इसको आगा बढ़ाएंगे तो हम लंबाई कितना माने थे जी, लंबाई माने थे एक्स, कितना माने थे एक्स, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 इसमें दिया है, ठीक है, तो लंबाई 16 हो गया, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई दिया था 2x प्लस का हुआ, देखिए यहाँ पे 2 गुना 16 कर देंगे प्लस का 1, कितना होता है 32 प्लस का 1, ठीक है, तो 32 से कितना हो जाएगा 33, ठीक है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 33, तो लंबाई हो गया हम लोग का 16, चौड़ाई हो गया 33, ठीक है। अब आप एक और मान इसको भी रख कर बना सकते हैं, इतने भी आएगा, ठीक है, तो आप बना सकते हैं, इतना हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो चाहे लाइक करते रहिए, ठीक है, चलिए अच्छा। 2 नंबर है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, ये क्रमगत का मतलब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए, यहाँ पे लिखा जाए क्रम, ठीक है, क्रमगत है, तो क्रमगत का मतलब क्रम कौन सा, मानते हैं हम x, तो इसके क्रम में चलेंगे तो यहाँ पे 1 चलेगा ना, x प्लस कितना हो जाएगा 1, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, ठीक है, चौथा एक्स प्लस 3, इससे बढ़ चल जाएगा, पहले का x, दूसरा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इससे मैंने बढ़ते जाएंगे, क्रम मतलब यही क्रम है, तो कह इसमें से दो संख्या लेना है, कितना संख्या लेना है, दो संख्या, गुना करने पर कितना आ रहा है 306, इसी में से इसमें दो संख्या लेने पर 306 आ रहा है, कितना आ रहा है 306 आ रहा है, तो करा हमें पूर्णांक को ज्ञात करना, तो भाई कौन सा संख्या, कौन सा पूर्णांक है, कौन सा संख्या है भाई ज्ञात करना है, ठीक है, ये मान का बनाना है, तो इसको मान का बनाना है, क्रम समझ में आया ना आप लोगों को, बनाते हैं, चलिए हल में कह रहा है दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों की संख्या, तो माना कि क्रमगत संख्या ठीक है, क्रमगत संख्या है तो ये मान लीजिए कितना है x, कितना है x, तो देखिए दो पूर्णांक कितना है, दो क्रमगत पूर्णांक तो बराबर x प्लस 1, ठीक है, अब इसका गुणफल दिया है, कितना दिया है दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणफल,
कितना दिया 306 दिया, ठीक है दे दिया। तो प्रश्न इतना हो गया। अब प्रश्न से क्या करेंगे इसको, प्रश्न से तो प्रश्न जो पूछा है उसी चलेंगे हम लोग। तो यहाँ करेंगे, देखिए जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 306, ठीक है x। तो अब देखिए गुना करेंगे, यहाँ पर प्लस है और प्लस है, प्लस है प्लस है प्लस हो जाएगा, और x में x में एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक एक में एक से गुना होता है एक्स हो जाएगा इक्वल टू 306, कितना हो जाएगा 306 इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बराबर 1, बी बराबर भी 1, सी बराबर माइनस के 306, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक गुना सी करेंगे तो एक गुना 306 करेंगे, एक गुना 306 तो एक तरफ बाद में करेंगे, तो लिखने का नोट कर लीजिए आप लोग, बताते हैं और दूसरा नहीं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक गुना सी करेंगे तो एक गुना सी इक्वल, अब देखिए एक गुना सी, एक का मान दिया है अब बी का मान दिया 306 इक्वल टू 306 आ रहा है, कितना 306। अब देखिए 306 तो आ गया, अब इसका गुणनखंड कितना होता है, तो 306 का गुणनखंड देखिए, 306 का गुणनखंड कितना कितना होता है, देखिए 306 का गुणनखंड इधर लिखा गया है, 306 गुना बन गया 306 गुना 1 बराबर का 306 आ गया, और 153 गुना 2 बराबर 306, और 102 गुना 3 इक्वल टू 306, और 51 गुना 6 इक्वल टू 306, और 34 गुना 9 इक्वल टू 306, और 17 गुना 18 इक्वल टू 306। देखिए जो है यह, अब देखिए इसी में से क्या करना है हमको चुनना, हम लोग चुनना क्या करना है, इसी में से हम लोग चुनेंगे। अब इसी में से कौन सा अंक आपको x के बराबर रखा, यानी बीच वाला तो मध्य बिंदु है, तो मध्य वाला यानी b के मान के बराबर हुआ, इसमें से कौन सा दो अंक लेंगे, दो ही लेंगे चाहे जोड़ कर ले आइए, जोड़ कर ले आइए, बीच वाला इतना बराबर है, बीच वाला बराबर होना चाहिए, चाहे घटा कर लाइए बीच वाला बराबर होना चाहिए, गुना करने पर आपको 306 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 306, यानी एसी गुना बराबर होना चाहिए, एसी के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, एसी के बराबर, यानी गुना करने पर एसी के बराबर होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बी के मान के बराबर होना चाहिए। दो अंक लेना है तो बी के मान के बराबर, यानी बीच वाला जो है इसके बराबर करना है, तो इस बी का मान कितना है, एक है, तो एक के बराबर लाने के लिए आपको लग रहा है 18 और 17 यही ले सकते हैं, तो कोई नहीं ले सकते हैं, तो लेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 18 एक्स लिखेंगे, देखो 12 है तभी प्लस में आएगा, तो यहाँ पर 18 एक्स माइनस का कितना है 17 एक्स माइनस का 306, ठीक। अब इसमें कोमा लेंगे, तो इसमें कोमा क्या लेंगे, तो इसमें हम एक्स कोमा ले लेते हैं तो बचा कितना एक्स, ठीक है एक्स तो पहले बाहर थे, यहाँ प्लस का 18 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या कोमा लेंगे, गुना करने पर हमको 306 भी आना चाहिए, 17 लेते हैं कोमा, कितना लेते हैं 17, बचा एक्स माइनस 17 लिए हैं, अब माइनस यहाँ प्लस माइनस होता है तो माइनस प्लस का 18 हो गया। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, पहले बीच वाला लेंगे अंदर वाला का, तो 18 हो गया, ठीक है अंदर वाला ले लिए, अब बाहर वाला है एक्स माइनस का 17, ठीक है तो यह हो गया। अब इसका मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना माइनस का 18, यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस का 17, तो एक माइनस एक प्लस में लिया, तो प्लस वाला मान लेकर आपको बनाना है, बैठा लेना है पहले संकल्प में, ठीक है तो बैठा सकते हैं, पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको लिखिए नोट कीजिए पहले, ठीक है नोट कीजिए, उसके बाद देखिए संकल्प हम लोग पहले था x, पहले x क्या था, x एंड धनात्मक पूर्णांक, ठीक है क्रमवार धनात्मक पूर्णांक जो था, ठीक है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है अब धनात्मक जो पूर्णांक था वो x था, और
पहले था पूर्णांक, केवल पूर्णांक जो था, पूर्णांक तो था कितना था, एक्स प्लस वन था, यही था। तो प्लस वाला मान लेंगे तो यहाँ पे क्रम कितना, क्रम अनुसार हो गया, क्रम धनात्मक हो गया, धनात्मक हम लोग का खाली 70 है, और पूर्णांक कितना हो गया हम लोग का, पूर्णांक क्या 70 है प्लस 1 = 18। ठीक है, आंसर हो गया इतने बस।